हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आज की डेट में फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन इन्फेक्शन बन चुका है। हम में से बहुत सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इस फंगल इन्फेक्शन को हम ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं या फिर आधा अधूरा ट्रीटमेंट देते हैं, तो जिससे ये बार बार रिपीट होता है। अगर आप भी इसी प्रकार से किसी फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि वीडियो के अंत में आप समझ सकें कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, और ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशन आपको यूज करने हैं, ऐसे कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेनी है जिससे ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा आपकी बॉडी में ना हो। दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले तक फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था। अगर किसी को होता भी था तो 1-2 हफ्ते की दवाई के बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता था, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं। इंडिविजुअल के साथ साथ पूरी फैमिली हो गया। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कम्युनिटी में ये स्प्रेड हो जाता है, कई बार पूरे गाँव में, कस्बों में ये पूरे गाँव को इन्फेक्ट कर देता है, और सभी लोग ट्रीटमेंट कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। आज की डेट में फंगल इन्फेक्शन के लिए 2-2, 3-3 हैवी एंटीफंगल मेडिसिन का यूज करने के बाद भी, टॉपिकल एजेंट लगाने के बाद भी ये फंगल इन्फेक्शन जाता नहीं है। तो बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने फंगल इन्फेक्शन को पहचानोगे कि ये फंगल इन्फेक्शन कैसे दिखता है। तो अगर आपकी बॉडी में सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि आपकी स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो बीच में तो स्किन कलर का ही हो रहता है, लेकिन उसके जो किनारे होते हैं वो एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। वहाँ पे रेडिशनेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे छोटे छोटे दाने आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो दाग होता है ये धीरे धीरे अपने आप को स्प्रेड करता है और अपना एरिया बढ़ाता रहता है। इसके साथ साथ उस पैचेस जो होते हैं, जो जहाँ पे आपको ये दाग वगैरह की शिकायत है, वहाँ पे आपको इचिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन वगैरह भी कई बार हो जाती है जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार ये जो इसका जो कलर होता है वो, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या है जिसकी वजह से फंगस होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है, वायरस से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनको वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है, इसी प्रकार फंगस से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में, इवन हमारी स्किन में हमेशा से मौजूद होता है। हमारी स्किन का फ्लोरा का एक पार्ट है, यानी कि हमारी स्किन में हमेशा से ही फंगस मौजूद रहती है। लेकिन जब ये फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, और फंगस से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसको फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो इसके लिए दाग, खास, खुजली या फिर रिंग वॉर्म या और भी कई सारे नामों से ये फंगल इन्फेक्शन जाना जाता है। हमने बताया कि हमारी स्किन में हमेशा से ही फंगस मौजूद होती है, और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि फंगस जो होती है हमेशा ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत अपने आप को ग्रो करता है, वहाँ पे इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, अपनी कॉलोनी ये बना देता है और हमारी सेल्स को ये खाना शुरू कर देता है। ये हमारे डेड सेल्स पे ही जीवित रहता है, लेकिन जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये अपने कॉलोनियों को बढ़ाता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि पसीना होगा, मॉइस्चर होगा, गंदगी होगी, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो आता कहाँ से है। तो ऐसे मेन 4 कारण हैं जहाँ से ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है या फिर आपकी बॉडी में पहुँचता है। पहला जो कारण है वो है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड, यानी कि अगर किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या उसकी चीज़ों को यूज करते हैं, उसके टॉवल वगैरह को यूज करते हैं, तो इस तरीके से ये ह्यूमन टू ह्यूमन में स्प्रेड होता है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फंगल इन्फेक्शन
फैलता है। दूसरा जो मेन कॉज है वो है एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि जो आपके डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली या फिर और भी कई जानवर, अगर उनमें फंगल इन्फेक्शन है और आप उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी एनिमल से ह्यूमन में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो कारण है वो है ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, यानी कि ऐसे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट जिनमें फंगस मौजूद है या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट किसी फंगस से सफ़र करने वाले इंसान के भी हो सकते हैं, यानी कि उसके टावल हो सकता है, सोप हो सकता है, उसका बेड होता हो सकता है, उसकी कॉम्ब हो सकती है, या ऐसे कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनमें पैलिसिस फंगस मौजूद है, और अगर आपने उसको यूज कर लिया तो ऑब्जेक्ट से भी ह्यूमन में ट्रांसमिशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ एक और कारण होता है, वो है सॉइल टू ह्यूमन, यानी कि आपको पता ही होगा कि सॉइल में फंगस हमेशा से ही मौजूद होती है, लेकिन सॉइल टू से ह्यूमन में होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। लेकिन कुछ फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक सॉइल में काम करते हैं, गीली मिट्टी में काम कर रहे हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि उनके पैरों में, हाथों में फंगस सॉइल से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ ये फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके सर से लेकर के पैर के नाखून तक कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके बालों की स्कैल्प जो होती है वहाँ पे हो सकता है, आपके चेहरे पे हो सकता है, आपके गर्दन पे हो सकता है, आपके बदन में, बॉडी में हो सकता है, साथ साथ आपके उंगलियों के बीच में हो सकता है, आपके नाखूनों में हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो देखा गया है वो ग्रोइन एरिया, यानी कि जांघों में या फिर कोहनियों में या फिर आर्मपिट वगैरह जो होते हैं वहाँ पे, उंगलियों के बीचों बीच में या सर में, ये मोस्टली देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहला फैक्टर है ह्यूमिडिटी, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और इंडिया में तो ऐसा क्लाइमेट हर जगह ही होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट में हमेशा ह्यूमिडिटी बनी हुई रहती है, और जहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं फंगल इन्फेक्शन के होने के। दूसरा कारण है हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट की वजह से आपको पसीना आता है, और पसीना अगर आप ढंग से सुखाते नहीं हैं या फिर अच्छे से नहाते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़े। तीसरा कारण होता है अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अनहाइजेनिक है या फिर आपने अपनी बॉडी को अनहाइजेनिक रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण है ओवर क्राउडेड कॉलोनियाँ, ओवर क्राउडेड बसेस या ट्रेन्स या ओवर क्राउडेड मार्केट्स। हम देखते हैं कि इंडिया में ओवर क्राउडेड कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक छोटी सी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारी बसें जो होती हैं, जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है, ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, आप मार्केट में चले जाओ वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि बहुत सारी भीड़ होती है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी होती है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फंगल इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के। पाँचवा फैक्टर है जीन्स या फिर सिंथेटिक क्लॉथ। हम देखते हैं कि आजकल जीन्स का फैशन है, कई बार 12 से 15 घंटे तक लगातार आपने जीन्स के मोटे मोटे जीन्स पहनी रहती है, आप सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में, स्किन में फ्रिक्शन वगैरह भी होता है और एयर आती जाती नहीं है, तो अगर आपकी बॉडी में पसीना बनता है तो वो सूख नहीं पाता है, और जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। छठा फैक्टर है क्लोथ शेयरिंग वगैरह का, या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, यूटेंसिल वगैरह जो होती हैं फंगल इन्फेक्शन से सफ़र करते हुए इंसान की, उनको यूज करने से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन है और आपने उसकी यूज की हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टावल हो गए, उसका बेड हो गया, साबुन हो गया, और उसके ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, या फिर कपड़े हो गए, जूते हो गए, है ना, इस तरीके से कई भी किसी भी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा ओवरवेटेड पर्सन जो होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी बॉडी में जो होते हैं स्किन फोल्ड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जिनकी बॉडी में जितना फैट होगा उनकी बॉडी में उतनी स्वेटिंग भी होती है, उनकी बॉडी में फोल्ड भी उतने ही बनते हैं, और उन फोल्ड्स के बीच में एयर आती जाती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगस अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर देता है, और इससे आपको दाग खाज खुजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस उन लोगों में भी ज़्यादा होते हैं जो बहुत देर तक लंबे टाइम तक पानी में काम करते हैं, जैसे घरों में काम करने वाले लोग हो गया, या फिर ऐसी औरतें जो बहुत देर तक पानी में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, या फिर होटलों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनकी उंगलियों के बीचों में, पैर की उंगलियों के बीचों में या नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज या फिर जिम करने वाले या फिर एथलीट जो होते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा पसीना आता है, और अगर वो उसको ढंग से नहीं ट्रीट करते हैं या फिर अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशंस की, कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान रखिए जिससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप नहाने जाते हैं या फिर नहाने के बाद जब आप कपड़े पहनते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आपका बदन अच्छे से सूख जाए तभी आपको कपड़े पहनने हैं। गीले बदन पे अगर आपने कपड़े पहने हैं तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के लिए। फंगस को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जिससे आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिए, किसी के कपड़े आपको शेयर नहीं करने हैं, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है तो हमेशा कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखाइए, उनको अच्छे से आयरन कीजिए, तभी आप कपड़ों को पहनिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्किन पे तो ऑइंटमेंट लगा लेते हैं या फिर कोई ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में तो ठीक हो रहा है, लेकिन वो फंगस हमारे कपड़ों में रह जाती है, और अगर हम उन्हीं गंदे कपड़ों को पहनते हैं तो हमारी बॉडी में वो फिर से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है वो है, अगर आपकी बॉडी में पसीना आया है तो आपको उसको अच्छे से सुखाना है, उसके बाद अच्छे से आपको नहा लेना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पसीना रह गया, और कई लोग ऐसे होते हैं कि पसीना आने पे उसको ऐसे सूखने दे देते हैं, जिसकी वजह से एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है फंगस को ग्रो होने के लिए। तीसरी चीज़ जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जीन्स का कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, लूज कपड़े पहने, ताकि आपकी बॉडी में कपड़ों के थ्रू हवा आती जाती रहे, और अगर आपकी बॉडी में ह्यूमिडिटी है, अगर आपकी बॉडी गीली भी है, तो वो वहाँ पे फंगस को ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशन ना मिले। चौथी चीज़ विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि हमेशा अपने नाखूनों को छोटा रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपने वहाँ पे खुजाया, आपके नाखून लंबे होते हैं, तो वो फंगस जो होती है आपके नेल्स के बीच में जमी रह जाती है, और उसको अगर आप बॉडी में कहीं दूसरी जगह पे खुजलाते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं, या फिर अगर आपके नाखूनों के बीच में भी फंगस जमी रह जाए, तो नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये नेल्स के बीच में जो फंगल, अगर आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि अपने घर की अच्छे से सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घरों में फंगस जम जाती है, आपकी बेड शीट वगैरह हो गया, आपके पिलो कवर हो गए या पिलो हो गया या बेड हो गया, उनको भी हफ्ते में एक दिन धूप में अच्छे से सुखाइए, उनको कपड़ों को गर्म पानी से धोइए, जिससे अगर आपके बेड शीट या फिर आपके आसपास के एरिया में अगर फंगस है तो वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आपकी बॉडी में फंगस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि ऐसे इंसान जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना बनाइए, उसके द्वारा यूज की जाने वाले जो आइटम हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जब भी आप फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने आप से शुरू न कर रहे हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए जो ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करें,
क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, या फिर देखते हैं कि यार मेरे फ्रेंड को खुजली हुई थी तो उसने उसके लिए ये ऑइंटमेंट लिया, या डॉक्टर ने उसके लिए ये ऑइंटमेंट दिया था, और वो भी उसी को लगाना शुरू कर लेते हैं, दो चार दिन लगाते हैं फिर लगाना बंद कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो इन्फेक्शन जो होता है वो ढंग से ठीक नहीं हो पाता है और बार बार रिपीट होता है। और अगर आपकी बॉडी में इस तरीके से बार बार इन्फेक्शन रिपीट हो रहे हैं, आप उसको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, कई बार सालों साल लग जाते हैं उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को फंगल इन्फेक्शन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी फैमिली का या फिर जो जो लोग फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं उन सभी का ट्रीटमेंट एक साथ करना है। अगर आप अपने लिए फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपकी फैमिली में कोई दूसरा अगर फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है तो आपके ठीक होने के बाद भी वो इन्फेक्शन उनके थ्रू आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो पूरी फैमिली को एक साथ लेना है, ताकि एक साथ सभी का इन्फेक्शन खत्म हो जाए और आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकें। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, और कुछ होम रेमेडीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आप फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।